हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरे चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। तो आज अब इस वीडियो में टाइम है जो आज से एक नया महीना शुरू होगा, मई का महीना। सो इस महीने में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं जिसकी संभावना है लॉन्च होने की, सो वही सब स्मार्टफोन के बारे में, ब्रांड के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, स्पेसिफिकेशन वाइज जो लीक होकर आए, मैं आपको ब्रांड और जो कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले। हालांकि वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा के और ऑप्शन से लेकर, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, वीडियो का एंजॉय कर पाओ, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है ये वीडियोस भी जो है वो मिलते रहे। अब बात है और एक ज़रूरी कि जो इंडिया में जो केसेस है कोविड के वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हो सके उतना आप घर पे ही रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, और अगर आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हो तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीनेट ज़रूर हो जाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है इंडिया इस कोविड के पैंडेमिक से जो है वो रिकवर हो पाए। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप जो पुराना मेंबर हो और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपना प्यार जताइए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलते रहे, ऐसे ही जो है रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ में लाता रहा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च हो सकते हैं इस मई के महीने। तो पहले अब हम जो जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में है। सो रेडमी की तरफ से जो है ऑलरेडी नॉट 10 सीरीज़ जो है वो चल रही है मार्केट के अंदर, बट अब जो है रेडमी ने यस्टरडे जो टीज़ किया है कि रेडमी नोट 10S जो है वो अब हमें देखने को मिलने वाला है, और वो उसका जो बॉक्स है जिसका फोटो मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा हूँ वो एक डिफरेंट सा एक बॉक्स डिज़ाइन किया गया हुआ है और हिंट दिया गया है कुछ कुछ उसके की स्पेसिफिकेशन का, ठीक है। सो अब ये जो स्मार्टफोन है वो हमें बहुत ही जल्दी इसी महीने के अंदर नोट 10S के नाम से जो है ये लॉन्च होने वाला है, और ये ग्लोबली जो है इंडिया के बाहर ऑलरेडी अवेलेबल है, लॉन्च हो चुका है, बट अब ये इंडिया में इस महीने जो है लॉन्च तो हमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं जो दूसरी ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है पोको ब्रांड के बारे में। तो पोको की तरफ से जो है कहा जा रहा है कि एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है, और वो है पोको M3 प्रो 5G स्मार्टफोन। और हालांकि ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि दूसरा एक जो स्मार्टफोन है वो है जो रेडमी का भी फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, रेडमी K40 गेमिंग एनहेंस एडिशन जो है वो भी कहा जा रहा था, ऐसे रूमर से और न्यूज़ आ रही थी रिपोर्ट के अनुसार कि ये F3 GT के नाम से जो है इंडिया में अंडर पोको ब्रांड लॉन्च हो सकता है। अब हालांकि कंफर्मेशन कुछ इसके बारे में निकल के नहीं आए, पर चांसेस है कि अगर अंडर पोको ब्रांड लॉन्च हुआ तो ये इसी महीने शायद जो है लॉन्च हो सकता है इंडिया में भी, जो K40 गेम एनहेंस एडिशन है वो पोको ब्रांड के अंदर, बट नाम कन्फर्म है कि कौन से नाम से जो है ये लॉन्च हो सकता है। अब बात करते हैं रियलमी के ब्रांड के बारे में। तो रियलमी की तरफ से जो है दो तीन स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने की संभावना है, यानी कि पहले मैं बता दूं कि रियलमी X7 मैक्स की न्यूज़ आई है कि वो लॉन्च होने वाला है, और जो चाइना के अंदर रियलमी का X7 एक्सट्रीम एडिशन है वो रियलमी X7 मैक्स के नाम से लॉन्च हो सकता है, बट उसके बाद ये रूमर और रिपोर्ट आ रही है कि जो चाइना के अंदर रियलमी GT Neo है वही जो है इंडिया के अंदर रियलमी X7 मैक्स के नाम से लॉन्च होने वाला है, और दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है रियलमी का 8 Pro 5G। अभी थोड़े वक्त पहले जो है रियलमी 8 5G लॉन्च हो चुका है, बट अब जो है इस महीने शायद हमें रियलमी 8 Pro 5G स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, बट उसका भी लॉन्च जो है हमें X7 मैक्स का जो है वो 4th of May को होने वाला था, बट अब वो जो है रियलमी ने कैंसिल कर दिया है। क्यों? ड्यू टू जो ये COVID-19 की सेकेंड वेव आई है उसके चलते। सो अब श्योर नहीं है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में कि उनका लॉन्च जो है इसी महीने होगा या नहीं होगा, मे भी शायद नेक्स्ट मंथ हो सकता है, बट इस महीने ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले थे, फिलहाल के लिए अब जो है ये पोस्टपोन हो चुका है। सो हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। अब बात करते हैं ओप्पो ब्रांड के बारे में। तो ओप्पो की तरफ से जो है कुछ खास अपडेट नहीं है कि इसके कोई स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं कि नहीं, बट एक जो स्मार्टफोन जो इंडिया में नहीं बट K9 के नाम से जो के सीरीज उनके ऑनलाइन सेल होती है वो चाइना में लॉन्च होने वाली है 6 मई को, और उसके साथ जो काफ़ी सारे जो एनको एयर है, साथ ही में ओप्पो का जो स्मार्ट टीवी है पहला वो लॉन्च होने वाला है, और काफ़ी दो तीन चीज़ें जो है लॉन्च होते हमें देखने को मिलने वाली है 6 मई को चाइना के अंदर। तो चांसेस है कि शायद ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाए, और इंडिया में अगर लॉन्च होता है तो पता नहीं कौन से नाम से ये लोग लॉन्च करेंगे, बट उसके स्मार्ट टीवी जो है शायद इस महीने हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं आगे इसके बारे में और हमें अपडेट क्या मिल पाती है। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट ब्रांड है वो है नोकिया के स्मार्टफोन के बारे में। तो नोकिया की तरफ से जो है लास्ट मंथ ही जो है यूरोप में ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं नोकिया की तरफ से आने वाले 5G स्मार्टफोन X10 और X20 स्मार्टफोन। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्नैपड्रैगन 480 SoC के ऊपर ये रन करता हुआ हमें देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि ये स्मार्टफोन पे जो चांसेस है कि इंडिया के अंदर इस महीने हमें लॉन्च तो देखने को मिल सकते हैं, बट
प्राइसिंग का इसका जो है उनका थोड़ा लोचा रहता है, क्योंकि प्राइसिंग जो है यूरोप को अगर हम कन्वर्ट करते तो काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। देखते हैं कि अब अगर इंडिया के अंदर ये लॉन्च करते हैं विथ स्नैपड्रैगन 480 SoC, तो अगर सही प्राइस पे लॉन्च करेंगे तो मैं कहूँगा कि नोकिया के स्मार्टफोन क्वालिटी वाइज, स्टॉक एंड्रॉयड वाइज, एक्सपीरियंस जो उनका होता है, अपडेट के अंदर वो टॉप पे रहते हैं। सबसे ज़्यादा अपडेट देने वाली ब्रांड जो है वो नोकिया ही है। सो उस हिसाब से जो देखने जाए तो नोकिया सही ब्रांड है। अब प्राइस अगर सही प्राइस पे लॉन्च कर देती है इंडिया के अंदर, तो X20 और X10 हमें देखने को मिल सकते हैं इस महीने इंडिया के अंदर। तो अब जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं वो है वीवो की सब ब्रांड, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आईक्यू के बारे में। तो आईक्यू की तरफ से आईक्यू 7 लेजेंड जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, बट अब चांसेस है कि आईक्यू Z3 जो लॉन्च हुआ है फिलहाल चाइना के अंदर, वो जो है इंडिया में लॉन्च हो सकता है इस महीने, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक वो BIS सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुका है, जो मैं आपको टेक्नोस के अंदर भी मैं बता चुका हूँ। सो उसके चांसेस है। जो स्नैपड्रैगन 786 G SoC के ऊपर जो है वो रन करता हुआ हमें देखने को मिला है। सो ये एक 5G स्मार्टफोन है और वो एक हमें अच्छी प्राइस के अंदर इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि कौन सी, हालांकि इस महीने जो भी मैं आपको ये स्मार्टफोन बता रहा हूँ उनमें से काफ़ी सारे स्मार्टफोन है जिनकी डेट जो है फिक्स नहीं है, अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। सो देखते हैं कि कब तक हमें ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं हम सैमसंग ब्रांड के बारे में। तो सैमसंग की तरफ से हमें शायद 2 से 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं इस महीने, बट फिलहाल मैं 2 के आपको मैं नाम बताना चाहूँगा। एक है एफ सीरीज का स्मार्टफोन F52, हालांकि M42 अभी लॉन्च हो चुका है 5G स्मार्टफोन, बट उसका जो सेल है आप इसे परचेस कर पाओगे मई के अंदर, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। काइंड ऑफ मई में ही ये अनाउंस किया गया हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट फिलहाल के लिए जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है F52 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो लॉन्च होने की काफ़ी सारे हद तक चांसेस है ये लॉन्च हो सकता है। दूसरा जो स्मार्टफोन है वो एक 4G स्मार्टफोन है, वो है M32 4G स्मार्टफोन, और ये भी हमें जो है इसी महीने शायद लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो तीसरा स्मार्टफोन है वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला S21 फैन एडिशन। हालांकि फैन एडिशन का एक रेंडर निकल के आ चुका है, बट चांसेस मैं कहूँगा ना के बराबर लॉन्च हो सकता है, मे बी शायद नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाए, पर इस महीने जो है मुझे लगता है कि शायद F52 और M32 ये 2 स्मार्टफोन तो हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और अब जो मैं आपको आखिरी ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ वो है OnePlus के बारे में। तो OnePlus Nord N सीरीज का जो है, OnePlus Nord का N10 जो था वो उसका जो सक्सेसर है वो ऑलरेडी BIS सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर कर चुका है, यानी कि उसके चांसेस है कि वो हमें लॉन्च तो देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर मई के महीने में। हालांकि कौन सा स्पेसिफिकेशन पे आएगा उसके बारे में अभी तक कोई डिटेल्स निकल के नहीं आई है, बट N10 का जो सक्सेसर उसका नाम भी क्या रखा गया है वो भी हमें पता नहीं है, बट उसके चांसेस है काफ़ी हद तक कि वो इंडिया में मई के महीने में हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि जो N10 था वो तो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला था, जो US में और बाकी सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, बट N10 सक्सेसर है वो हमें मई के महीने में शायद इंडिया में लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। और काफ़ी सारे रूमर्स है और सारी ब्रांड इन्फिनिक्स की भी तरफ से शायद 1-2 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैंने अभी जो आपके जितनी ब्रांड कवर की है उसके चांसेस है कि वो मई के महीने में लॉन्च कर सकते हैं अपने नए स्मार्टफोन। आप मुझे बताइए कि आपका प्लानिंग है अगर मई के महीने में स्मार्टफोन लेने का, तो कौन सा स्मार्टफोन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी हो, तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पर जाकर टैग एंड सर्च करके आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं शॉर्ट रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप वीडियो का एंजॉय कर पाओ। और अगेन मैं आपको बोलूँगा कि काफ़ी टफ टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं, तो हो सके उतना घर पे रहिए, वैक्सीनेट भी एलिजिबल हो तो हो जाइए, और अपना और अपना परिवार का जो है वो ध्यान रखिए। थैंक यू।